और एक साथ ही खड़ा हो गया और उन्होंने फिर बंधे हो अपना पात्र लिया और अपना अंगूठा उस द्रव्य को पदार्थ को खीर को छिलाया और देनी शुरू करी। वहां तो गंगोत्री प्रकट हो गई, गंगा प्रकट हो गए और एक प्रवाह चल पड़ा खीर का उनका पास। बोले बस बस दूसरे लगा दिया और उसका भर गया। ये क्या हो रहा है? आप और हम इसी को श्रद्धा से कहते हैं अंगुष्ठे अमृत बसे। बोलो जरा, अंगुष्ठे अमृत बसे लाभ्य तना भंडार, जे गुरु गौतम सुमरिए वांछित फल दाता। बोलो श्री गौतम स्वामी के। ये थी महिमा। वो 1500 के 1500 लग गए सब लाइन में, सबके पात्र भर गए। और इतना ही नहीं, और लो भाई किसने लेना हो, और वो बस वो हाथ और अंगूठा और पात्र यूं ही था। और वो तो गंगा की तरह से, धारा की तरह से खीर बह रही थी। सब भरपेट खाते हैं, सब ने भरपेट खाया, हाथ जोड़ और नहीं, बोले और लो भाई और नहीं। और फिर समेट ली अपनी महिमा। जो हमने कहा था कि वे कोई रिद्धि दिखाए, कोई सिद्धि दिखाए, कोई चमत्कार दिखाए तो माने इसके बाद। अब तो बोले, अब तो गुरु इसी को मानेंगे, यही है बस। देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, स्वयं में देख लिया, बस यही ठीक है। और हाथ जोड़ दिए सभी ने, आज से हम आपको अपना गुरु मानते हैं, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। देखो, मेरे को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम तो आपको गुरु मानेंगे, आपका कहाँ मानेंगे। नहीं, गुरु मानना है, गुरु बनाना है। जो मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्म गुरु हैं, उनको गुरु मानो। आपका भी कोई गुरु है? मेरे गुरु हैं। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर मेरे धर्म गुरु हैं। उनको अपना गुरु मानो। चलो भाई, जब इनकी इतनी महिमा है, गुरु की महिमा क्या होगी वो तो हम सोच भी नहीं सकते। अपरंपार महिमा होगी इनकी तो। इनकी इतनी बड़ी महिमा हमने देख ली कि एक थोड़ी सी खीर में सबके पेट भर दिए, सबको यथेच दे दिया। इसकी इनकी इतनी बड़ी महिमा, और गुरु की तो कितने महिमा होगी। बोले जैसा आप कहोगे वही करेंगे, जो कहोगे वही मानेंगे। बोले फिर चलो मेरे साथ, चलो आओ उस परम गुरु के दर्शन करो, उनको अपना गुरु मानो, जो वो उपदेश दें उसके अनुसार चलना। ठीक, ऐसा ही करेंगे। गौतम स्वामी चल दी और पीछे पीछे 1500 आदमी, किसे कहें कितने सारे, सारे के सारे पीछे चल दिए। कहीं रुक कर वो कहते, देखो उनके धर्म सभा को समोसरण कहते हैं, वहां पर बहुत सारे साधु, बहुत सारे साध्वियां हैं होंगे, वहां पर बहुत सारे गृहस्थ होंगे, श्राविकाएं भी होंगी, देव भी होंगे। अच्छा, देवता भी होंगे? हाँ, देव भी होंगे, देवियां भी होंगी। और उनके समसरण के बाहर पशु भी होते हैं जो उनको सुनने के लिए आते हैं भगवान को। अच्छा, वो भी आते हैं क्या? पशु भी आते हैं? बोले हाँ, पशु भी आते हैं। कैसे होंगे वो पता नहीं भाई, चलेंगे दर्शन करेंगे। ये तो बड़ी बात बताई कि उनकी ऐसी महिमा है, देवता भी वहां आते हैं सुनने के लिए, और तो और पशु भी आते हैं उनको सुनने के लिए। कमाल है भाई, हम तो वंचित रह गए। आज तक हमने ऐसे महापुरुष के दर्शन ही नहीं किए, हम तो वंचित रह गए। आज हमारे भाग खुलेंगे, आज हमारी साधना पूरी होगी, आज ऐसे महापुरुष के दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। हम तो चलेंगे उसके चरणों में, लेट जाएंगे और उसके शिक्षाओं को मानेंगे। हम तो अपने आप को पूरी तरह से अर्पित कर देंगे,
और ये शब्दों में नहीं, उनकी आत्मा की आवाज थी। इतनी मन में भावना और श्रद्धा जागी, हम नहीं उठेंगे, हम तो बस उनसे ज्ञान लेकर ही उठेंगे, उसको बार बार हम नमन करेंगे। वो कैसे होंगे पता नहीं, भी कैसे होंगे, ऐसी बात बता रहे हैं तो देवता बैठे रहते वहां तो, और तो क्या पशु भी आते उनको सुनने के लिए, उनकी बात ऐसी कैसे है भाई, पता नहीं भाई। भाई देखो मैं तो उठने का नहीं, मैं तो लेट जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं उठूंगा। सारे के सारे अपनी अपनी बात समर्पण मूलक कर रहे थे, हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, बस अब हमने और कहीं नहीं भटकना। वो परम गुरु है, जब उसके चेले ने इतनी बड़ी बात बता दी और दिखा दी, गुरु की क्या बात होगी, अपरंपार महिमा होगी, हम तो बस समर्पित हैं। ये विनय भाव और समर्पण भाव उनके कर्म निर्जरा का महान कारण बना। ये जो भाव होता है ना, भाई गुरु के दर्शन करेंगे, ये जो भीतर का भाव है ना, ये कर्म निर्जरा का हेतु बनता, कारण बनता है। जब ऐसा भाव मन के अंदर आ जाए, और एक ऐसे ही हो, कैसे बताऊं आपको, अरे ठीक है चलो माथा टेक के चलो, नहीं साधु पालम देंगे, भाई आया था ऋषभ बिहार में मिलकर भी नहीं गया, भाई वहां जाना जरूरी है, यहाँ निर्जरा नहीं हो पाती। निर्जरा होगे जब भीतर में समर्पण का भाव हो, वो समर्पण में खो गए भगवान के, उनके भीतर में तो प्रभु की कोई एक अलग ही स्वरूप बन गया उस प्रभु के लिए, भाई हम तो बस समर्पित हैं, उनके लिए समर्पित हैं। महान कर्म निर्जरा उनकी होती रहे और चलते रहे गौतम के पीछे, और गौतम स्वामी बोले देखो अब संवत्सरण आ रहा है, अंदर चलेंगे, व्यवस्था से चलना, और सुनो भगवान की जाके पहले वंदना करेंगे, और वंदना करके उनकी परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद में फिर उनके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठेंगे, ऐसे करना है, वहां जगह सबको मिलेगी, गौतम स्वामी अपने कह रहे थे। और वो अपने भावों में खोए हुए थे, समोसरण आ गया, गौतम स्वामी ने प्रवेश किया, आगे गए भगवान के समीप गए, और उन सबको 1500 को उस समर्पण विनय और भक्ति से उनकी ऐसे कर्म निर्जरा हुए कि सबको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया, केवल ज्ञानी बन गए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। अब तो उन्हें वंदना करने की और औपचारिकताओं की जरूरत ही नहीं, केवल ज्ञानी हो गई। तीर्थंकर सभा में एक स्थान होता है जहां केवल ही बैठते हैं, उनके सभा की विशेषता होती है, कम ज्यादा की बात नहीं, सबको जगह मिलती है। वो तो गए और केवलियों की सभा में जा बैठे, स्थान पर जा बैठे, तो आओ अब सारे और मैं हटता हूं, और तुम सब पहले भगवान की वंदना करो फिर परिक्रमा करना, वंदना करो आओ। पीछे देखा एक भी नहीं पीछे, तो सारे कहां चले गए, पता है आपको सब है, कथा आप जानते हो, ये तो आनंद लेने की बात है, अपने अपने मन का आनंद है। वो तो जा बैठे वहां, ओहो भोले इनकी पता, मैं बता रहा था कि वहां के नियम क्या, व्यवस्था क्या है, वहां तो बैठते नहीं होता, केवल ज्ञानी भगवान की जगह है, आदमियों के बैठने की, संतों के बैठने जगह दूसरी है, मैं जाऊं बुला करके लाऊं, ये सोचा। भगवान कहने लगे गौतम वो तो ठीक स्थान पर बैठे हैं, ठीक स्थान पर, भगवान वो तो केवलियों का स्थान है। बोले हाँ, तो क्या उन्हें केवल ज्ञान हो गया, बोले हाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें, केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कैसे हो गया, बोले भावों से हो गया, उनके भीतर जो भाव आए तुमने लेकर आ रहे थे, ऐसे भावों का उनके भीतर में प्राकटीकरण हुआ कि कर्म निर्जरा हुए और उन्होंने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया इन्हें, इन्हें केवल ज्ञान हो गया, मैं लेकर के आया, मैं बुला करके लाया, इन्हें केवल ज्ञान हो गया। और हाँ जी भाइयों, मेरे को केवल ज्ञान नहीं हुआ, इनको मैं लाया बुला करके, इनको मैं बोध दे के समझा के लाया, इनको तो क्या हो गया,
और केवल ज्ञान मुझे नहीं हुआ, पता नहीं मुझे कभी केवल ज्ञान होगा भी या नहीं होगा इस भाव में, क्या पता क्या होगा। भगवान ने कहा गौतम तुम ऐसा सोच रहे हो? बोले हाँ भगवान, मेरे मन में यही भाव आ गया। गौतम एक दिन तुम भी मेरी तरह से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनोगे, तुम भी केवल ज्ञानी बनोगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करोगे, समय आएगा उस समय तुम्हें भी केवल ज्ञान होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। प्रभु को नत हुए, एक बात पूछ लो, मन में आया भगवान केवल ज्ञान कब होगा? श्रावक हो श्राविका हो, भगवान ने कहा एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे, भगवान वो केवल ज्ञान कब होगा मेरे को? गौतम तुम्हारा मेरे प्रति राग भाव है। मेरे प्रति क्या रखते हो? राग भाव रखते हो। जब तुम्हारा ये राग भाव क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसे क्षण केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम मेरे प्रति राग भाव छोड़ दो, मेरे प्रति राग भाव जो है तुम्हारा इसे हटा दो, राग भाव के हटते ही केवल ज्ञान हो जाएगा। भगवान के प्रति राग भाव छोड़ दूं, मैं तो भगवान के साथ साथ रहता हूं और फिर मैं राग भाव छोड़ दूंगा, फिर तो मैं भगवान के साथ कैसे रहूंगा? फिर मैं कहाँ रहूंगा? भगवान कहाँ रहेंगे? जब राग ही नहीं रहेगा मैं पीछे पीछे क्यों चलूंगा? ना भगवान, ये काम नहीं हो सकता मेरे से। ये काम मैं आपके प्रति जो मेरा राग है मैं वो नहीं छोड़ सकता। केवल ज्ञान जब होगा हो जाएगा, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जरा सोचो तो, मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, कितना बड़ा भाव है समर्पण का, और भगवान के प्रति कितनी कितने समर्पण की भावना है। केवल ज्ञान जब होगा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मेरा जो आपके प्रति जो मेरे मन में भाव है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। कितना बड़ा भाव है एक शिष्य का, इससे बड़ा समर्पण का दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जो परम उपलब्धि के लिए भी कह दे होगा जब हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसको नहीं छोड़ सकता? भगवान को नहीं छोड़ सकता। कैसा भाव था? ऐसा शिष्यत्व भाव था गौतम स्वामी के भीतर। गौतम स्वामी को समझे बिना शिष्यत्व को समझा नहीं जा सकता, और ऐसा शिष्यत्व हमें भी मिले, हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी प्रभु के प्रति ऐसे समर्पित हो जाएं, हमारा भी कल्याण हो जाए। गौतम स्वामी का चरित्र बंधुओ कुछ थोड़ा सा भगवती सूत्र में आया और बाकी कथा प्रसंगों के अंदर आया। भगवती सूत्र में क्या पाठ आया ये मैं आगे बताने का भाव रखता हूँ। आज मैंने गौतम की कुछ बातें बताई, कितने महान थे गौतम, और भगवती सूत्र में इनका वर्णन कैसे हुआ ये भगवती सूत्र में ही है, जो मैं आपको समय के साथ प्रस्तुत करूंगा सुनाऊंगा। गौतम स्वामी का ये वर्णन और कहीं नहीं है, केवल यही भगवती सूत्र के अंदर है। आपके मन में जिज्ञासा होगी क्या वर्णन है, वर्णन बताएंगे, हम भी समय के साथ बताएंगे। आज के बाद यहीं पर रखते हैं और हम उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं। कल थोड़ी सी बात आचार्य संभूत विजय की हुई थी, थोड़ी सी, और आज थोड़ी सी बात भद्रबाहु स्वामी की हो रही है। वो भी संभूत विजय आचार्य थे और भद्रबाहु भी आचार्य थे, समकालीन थे, गुरु भाई थे, आचार्य यशोभद्र के दोनों शिष्य थे। यशोभद्र के शिष्य तो और भी थे, पर ये दो की महिमा अद्भुत है। जब समस्याएं आती हैं तो समाधान भी खोजे जाते हैं। दोनों ही ये यशोभद्र के शिष्य महान योग्य थे।
आचार्य पद के योग्य थे। तो फिर यशोभद्र ने क्या फैसला लिया था? फैसला लिया था इन दोनों को ही आचार्य घोषित किया, संभूत विजय को भी, भद्रबाहु को भी। कार्य का बंटवारा हुआ, संघ व्यवस्था देखेंगे संभूत विजय, ज्ञान का दान देंगे भद्रबाहु। भद्रबाहु 14 पूर्व धर थे, अंतिम श्रुत केवली थे, इनके बाद फिर कोई पूर्ण 14 पूर्व धर नहीं हुआ। पूर्वों का ज्ञान चला परंतु पूर्ण नहीं, ये अंतिम थे। इनका तो ज्ञान बहुत विलक्षण था, ज्ञान दान देना संतों को, योग्य पात्रों को, ये सौंपा भद्रबाहु को, संघ व्यवस्था सौंपी संभूत विजय को। क्या एक को नहीं दी जा सकती थी? बात ऐसी है, जिसने पठन पाठन करना और करवाना है वो संघ व्यवस्था देखे, मुश्किल सी बात है। संघ के तो मामले और ही और होते हैं, तरह तरह के होते हैं, वो बात ही और है। और जो इन मामलों में उलझ गया उसके लिए पठन पाठन वाला मामला मुश्किल हो जाता है। आसान बना दिया राह को, तुम ये काम देखो संघ का, तुम ये काम देखो संघ। तो ये एक समय में दोनों आचार्य थे और यूं इनकी देख रेख में संघ का संचालन होता था। आज एक बात केवल कर रहे हैं, अभी तो बात दोनों के फिर से होंगी, क्योंकि ये तीन महान व्यक्तित्व हैं, इनके साथ जुड़ेंगे स्थूल भद्र और कैसे, वो आगे की चर्चा होगी।